हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल का है। हमने इसके लेक्चर्स देख लिए हैं, अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए, इसमें इनका कहना है इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के वो फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर दैट हमें जो रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जीरोज की, उसको वेरीफाई करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ देखिए, पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस आर फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग पॉलिनोमियल टू जीरो। तो जो पॉलिनोमियल है इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है टू स्प्लिट द मिड टर्म। और ये मिड टर्म को स्प्लिटिंग वाला जो तरीका है वो आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, और यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, बेसिकली होता है इसमें यह है कि आपको जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना कैसे है? जैसे टू है तो टू को 1+1 लिखना है, या फिर टू को लिखना है 4-2। ये टोटली डिपेंड करेगा इस साइन पे जो कॉन्स्टेंट टर्म का साइन है। अगर ये नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव का यूज करना है, और यहाँ पॉजिटिव है तो हमको ये पॉजिटिव का यूज करना है। ठीक है, स्प्लिट इस तरीके से करना है। ओके, ये तो मिड टर्म को स्प्लिट करने का हो गया, लेकिन जो टर्म्स रहेंगे 1 एंड 1, 4 या 2, ये कहाँ से आएंगे? ये आपके आएंगे फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स, एक 8 से और जो जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कॉन्स्टेंट टर्म 8 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आया 8। अब 8 के हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे, 8 का हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे जो कि ऑपरेशन करने पे, जिन पे ऑपरेशन करने पे 2 आ जाए। तो देखिए, ऑपरेशन पहले तो हमें चूज करना है ऑपरेशन करना क्या है। ऑपरेशन हमको करना है नेगेटिव वाला कि सब्ट्रैक्शन वाला। तो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको घटाने पे 2 आए। तो 8 को क्या ले सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि हमको पहले पता करना है कि इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाई 1+1 करेंगे या 4+2 करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि कॉन्स्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब हमने देखा यार नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब आपको 2 को फाइंड आउट करना है बाय द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन करके आपको 2 फाइंड आउट करना है। तो ये जो दो टर्म्स हैं 4 और 2, ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे आपके जो कॉन्स्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, इसके मल्टीप्लीकेशन का जो फैक्टर्स बनेंगे उससे आएंगे। जैसे इनका मल्टीप्लीकेशन 8 × 1 हुआ 8, और इसके फिर फैक्टराइजेशन हमने किया 4 × 2, फैक्टराइजेशन इसका आया और 4 + 2 गया तो 2 आ रहा है। ठीक है, 4 - 2। चलिए, अगर आपको अभी थोड़ा डाउट आ रहा है तो हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट करूंगा जिससे कि आपको समझ तो आ ही जाए फाइनली। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए कैसे करना था, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो 8 × 1 8 हो गया। अब 4 × 2 8 आया था, 4 - 2 यहाँ आ जाएगा। एक्स 2 हमने लिख दिया, 4 - 2 माइनस 8 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों टर्म्स में हम एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, इधर 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले 4 टर्म थे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 2 टर्म्स बन गए, 1, 2। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है? एक्स माइनस 4 इज कॉमन, तो एक्स माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा? एक्स, इधर से क्या आएगा? +2 = 0। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस पॉलीनोमियल को जीरो होना है तो क्या कंडीशन निकल के आ रही है? या तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाए,
तो ये जीरो हो जाएगा, या फिर एक्स की वैल्यू माइनस टू हो जाएगा। दो सोल्यूशन निकल गया है, यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू फोर, यहाँ से और इस टर्म से निकल के आएगा ये वाला, इससे निकल के आ रहा है एक्स इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, हमारे दो जीरोस, दो जीरोस जो है मिल चुके हैं, फर्स्ट जीरो इज फोर, सेकेंड इज माइनस टू। तो अब आगे इतना तो हमें पहला ये आधा पोर्शन कंप्लीट हुआ, फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जो रिलेशन है वो क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसको कि क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट का विथ जीरोस। तो जो जीरोस का समेशन होता है वो होता है इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हमारे जीरोस क्या आए हैं, फोर एंड टू, तो यहाँ फोर प्लस टू कर दीजिए। ठीक है, माइनस है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू। ठीक है, माइनस टू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है कोएफिशिएंट वन, वन। इधर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ गलत हो गया क्या, यहाँ माइनस टू है, सॉरी माइनस टू। तो इधर आपका फोर प्लस माइनस टू आपका हो जाएगा टू, उधर आपका माइनस से माइनस पॉजिटिव टू हो जाएगा, इधर टू। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन। ठीक है, सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, हमारा पहला जीरो फोर है, दूसरा है माइनस टू। ठीक है, इधर देखिए अब कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज माइनस एट, तो इधर माइनस एट आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन, यहाँ वन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर देखिए माइनस एट आया इस तरफ से भी और माइनस एट इधर से। अब देखो ये चीज़ समझना कि यहाँ जो फोर प्लस माइनस टू लिया गया है, ये लिया गया है यहाँ से, जो हमारा ये सोल्यूशन निकला था, जो हमारे जीरोज निकले थे, और इस तरफ हम चल रहे हैं जो हमने यहाँ काम किया हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हम चल रहे हैं विद हेल्प ऑफ दिस कोएफिशिएंट। ओके, इस तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल पहले क्वेश्चन में एक्स था और सेकेंड क्वेश्चन में वेरिएबल जो आपका एस हो गया है। ठीक है, तो वेरिएबल वेरी कर सकता है, कोई आप एक्स लिख लीजिए, एस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, ठीक है, जेड लिख दीजिए, यू लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वेरिएबल यहाँ एस है तो एस है। ओके, अब हमको निकालना है इसका जीरो, हम क्या करेंगे इसको इक्वल कर देंगे विथ जीरो, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो पहला तरीका है हमने जो सीखा था कि हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। और स्प्लिट करना कैसे था, हमको फोर को स्प्लिट करना है, फोर एस को, फोर एस को स्प्लिट कैसे करेंगे हम यहाँ देखेंगे। पहले यहाँ प्लस का साइन है, मतलब ये जो फोर है वो बाय एडिशन आना चाहिए, हो सकता है टू प्लस टू हो जाए, वन प्लस थ्री हो जाए, कुछ भी हो सकता, क्या सकता है। यहाँ फोर यहाँ ऐसे नहीं आएगा कि सिक्स माइनस टू, इस तरीके से नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, एडिशन सही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। और ये टू प्लस टू या वन प्लस थ्री आएगा कैसे, ये आने वाला है यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है और जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू फोर, और जो यहाँ आया इसके फैक्टर्स लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन नॉट डाउन लाइक टू इंटू टू, तो टू इंटू टू है यहाँ पे देखिए, और आपको एडिशन से लाना है, एडिशन से क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो टू प्लस टू हो जाएगा फोर एस स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ही आएगा तो यहाँ माइनस है टू एस प्लस वन, यहाँ से इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन आपका 2s, यहाँ बचेगा 2s माइनस वन, यहाँ सब कॉमन आएगा माइनस वन, अंदर बचेगा 2s माइनस वन, इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब
यहाँ चार टर्म थे, हमने इन दोनों को एक साथ लिया, पहले इन दोनों को लिया था फिर इन दोनों को, यहाँ पे सिर्फ दो टर्म बचे हमारे पास बस। तो इन दो टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, 2s-1 इस टर्म में भी है, 2s-1 यहाँ पे भी है, तो ये 2s-1 इंटू 2s-1=0। ठीक है, तो इसको अगर जीरो होना है तो हमको इन दोनों टर्म्स को एक जीरो हो जाए तभी जीरो हो जाएगा, तो 2s-1=0 और यहाँ पे भी 2s-1=0। ठीक है, यहाँ जीरो है तो s की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आई एंड s की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आई है। ओके, तो हमारे जो टू दो जीरोज हैं वो 1/2 ही हैं। और कुछ लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, ये बेसिकली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए 2s है और b -1 है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, कोई ध्यान देगा तो हो सकता है इनिशियल स्टेज तक ध्यान ना गया हो, बट अगर आप प्रैक्टिस ऐसी खासी कर लेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a की वैल्यू 2s है एंड b की वैल्यू -1 है। ओके, बट ये भी तरीका सही है, आपने s की आपने जीरोज निकाल लिए, तो समेशन ऑफ जीरो। अब देखिए देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक ही आ रही है s की वैल्यू 1/2, यहाँ हम दो कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या क्या आए हैं, 1/2, 1/2, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1/2 + 1/2 इट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, बट यहाँ x तो है नहीं, अब यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s, और नीचे हो जाएगा s स्क्वायर। ओके, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 एंड s स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, +4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आपका 1 आ जाएगा इस तरफ और इस तरफ भी ये कैंसिल और प्लस हो गया, इधर भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत ही सिंपली आ गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो इसमें हमारे जीरोज क्या क्या है, 1/2 है एंड अगेन 1/2 है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपका है कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x तो वेरिएबल है नहीं, ये तो फॉर्मूला बना था हमारा तब जब x वेरिएबल था, यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4, तो यहाँ 4 पुट अप कर देंगे, ठीक है, यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो जितने यहाँ क्वेश्चन दिए हैं सब थोड़े थोड़े अलग टाइप के हैं, और अगर आप जस्ट ट्राई करते हैं, आप सॉल्व नहीं होता है, तो आपका 2 मिनट फिर से क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा उस पर दिमाग दौड़ाइए, हैव पेशेंस, क्वेश्चन नहीं आ रहा है इट्स ओके, नया नया कुछ सीख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होता है, बट जो पेशेंस रखता है, क्वेश्चन को बार बार रीड करता है, ट्राई करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है बार बार, फाइनली से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, विद टाइम, टाइम लगता है, नो मैटर, नो डाउट, बट सॉल्व होता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप कम से कम 5 मिनट दीजिए। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर 5 अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 5 मिनट दीजिए, कुछ करते रहिए, पेन पेपर लेके उसमें सॉल्व करते रहिए। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, तभी मजा आया। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हल्का सा देखने में अलग लग रहा होगा, बट है वो सेम चीज। ठीक है, हल्का सा टर्म्स को आगे पीछे कर दिया है, एक्स के टर्म को पीछे कर दिया है एंड कॉन्स्टेंट टर्म को आगे लेके आए हैं, तो इसको हम मैनेज कर देंगे, हमको बेसिकली जीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, 6x²-3-7x=0, हमने ऐसे तो सॉल्व किया नहीं कभी, तो इसको हम क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे, 6x² इस टर्म को आगे लेके चले आएंगे, -7x हो गया, -3 हो गया, =0 हो गया। ठीक है, और फिर समस्या क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ 7 है तो हमको 7 को लेके आना है, स्प्लिट करना है इस तरीके से कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो,
यहाँ क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर पे नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव, ठीक है। हो सकता है 10-3 हो जाए, हो सकता है 7-3 हो जाए, ठीक है, हो सकता है 9-2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे नहीं करेंगे आपके 3+ फोल्ड करके 7 कर दिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो हमको इसी तरीके से इसको स्प्लिट करना है नेगेटिव बना के ही। तो देखते हैं क्या आएगा। और ये दो टर्म कैसे डिसाइड होंगे, ये डिसाइड होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है, इधर 3 है कॉन्स्टेंट टर्म और इधर कोएफिशिएंट है 6, तो इसको हम, ये हमारा आ गया 18, तो इसको हम किस तरीके से लिखें इन द फॉर्म मल्टीप्लीकेशन, उसका डिफरेंस 7 आए, तो इसको हम अगर लिखते हैं 3 × 6 तो डिफरेंस क्या 7 आने वाला है, नहीं, इसको अगर लिखेंगे हम 9 × 2 क्या डिफरेंस 7 आने वाला है, हाँ ये आ जाएगा, तो हम 9 × 2 फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस यहाँ आ जाएगा 9 − 2 × x −3 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, कोई बचा नहीं, देखिए 6x² रहेगा यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ अंदर के पॉजिटिव कर दिया इसको, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, कॉमन है आपका 3x, ठीक है, 3 देखिए इन दोनों, यहाँ भी है x तो है ही, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x − 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन रह जाएगा, 2x − 3 = 0। अब ये दो टर्म बचते हैं, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x − 3 इज कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2x − 3, अब बचता क्या है इधर, यहाँ से आ जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये लाइन मत खींच लेना यार, अगर लाइन खींच लोगे ना तो मे बी कुछ लोग समझ लेंगे डिनोमिनेटर में सब नीचे है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा इस टाइम। तो अगर हमारे इस पॉलीनोमियल को 0 होना है तो इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाए, तो हमारे 0 क्या निकल गया है, 2x − 3 = 0, यहाँ से हमारा निकल के आएगा x = 3/2, और दूसरा टर्म है आपका 3x + 1 = 0, यहाँ से आपका निकल गया आएगा x = −1/3, −1/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे जीरोस तो निकल गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, बट हमारा जो रिलेशन है उसको प्रूव करना है अभी। तो सम ऑफ जीरोस है, तो हमारे जीरोस क्या क्या हैं, 3/2 and −1/3, 3/2 + −1/3, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है −7, −7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 6 आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आता है यहाँ 6 आएगा, 9 − 2 = −−+ हो जाएगा, इधर आ गया 7/6 = 7/6, ओके। तो जस्ट सॉल्व हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे जीरोस क्या क्या हैं, 3/2 × −1/3, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है −3, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, तो इतना सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ हो गया −1/2, इधर आपका हो गया, इधर 3 से 6 जाएगा −1/2, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है, कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस 4th one। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ चला गया, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, अगर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ आप 0 लिख लीजिए, ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, ओके। तो चलिए हमको वो जीरोज निकालने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पॉलीनोमियल दिए हैं इसको इक्वेट करेंगे 0 से, सीधे 0 से, ठीक है, और यहाँ स्प्लिट करने की बात है नहीं, दो ही टर्म है तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4u कॉमन आ रहा है पहले, तो यहाँ अंदर बचेगा u, इधर बचेगा 2, n = 0। तो अगर
इतने को जीरो होना है, तो यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो सीधे जीरो हो जाएगा ये। तो पहला पार्ट हमारा जो जीरो आ गया जीरो, ओके। सेकंड की ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए आपका यू प्लस टू वाला, तो अगर यू प्लस टू वाला जीरो होगा तो यहाँ से यू की क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आएगी माइनस टू, ओके। तो इससे इतना ही है। अब हमको सम ऑफ जीरोस एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव करना है। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या क्या है, एक तो जीरो ही जीरोस है, एक माइनस टू है, तो जीरो प्लस माइनस टू। दूसरी बात कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे यू वेरिएबल है, तो एक्स चला जाएगा, यू आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ यू दैट इज एट, या माइनस बाहर है। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर दैट इज फोर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको माइनस टू इधर, जब माइनस टू फोर से गया तो माइनस टू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक तो जीरो खुद ही है इनटू एक माइनस टू है, और राइट हैंड साइड पे देखिए कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो इधर ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे आपका फोर आएगा, तो यहाँ अगेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इट इज प्रूव, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इतना ही सोल्यूशन है इसका, और अब आप लोग को प्रैक्टिस बन गया होगा अच्छा खासा, आप अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे एंड एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए ट्राई करेंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिफ्थ नंबर, इस जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसमें पहले इससे पहले में गायब किया गया था कॉन्स्टेंट टर्म को, इस वाले में गायब कर दिया गया है टी के टर्म को, टी स्क्वायर है कॉन्स्टेंट है बस टी का टर्म गायब है, तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको जीरो अगर इसके निकालने हैं तो फिर हम सेम काम करने वाले हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। कुछ लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इधर है, इधर हम ले गए 15, तो टी हमारा आ गया प्लस माइनस रूट 15। और कुछ लोग को ये दिखेगा इस तरीके का, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये ए हो गया एक तरीके से आइडेंटिटी टाइप का, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी टी की वैल्यूज दो आएंगी, एक आएगा प्लस रूट फाइव रूट 15 एंड दूसरा आएगा माइनस रूट 15, ठीक है। तो हमारे जो जीरोज आ गए दो आ गए, पहला आपका है प्लस रूट 15 एंड दूसरा आपका है माइनस रूट 15, ठीक है। तो जीरोस तो निकाल लिया हमने, अब बात आती है सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस में देखिए एक तो है आपका प्लस रूट 15, दूसरा है माइनस रूट 15, माइनस रूट 15। इधर आपका है कोफिशिएंट ऑफ यू, तो यहाँ यू नहीं है, यहाँ आपका टी हो गया वेरिएबल, तो यहाँ आ जाएगा टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ दिया है नहीं, तो जीरो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी। टी स्क्वायर का ऑप्शन क्या दिया है 1, यहाँ 1 आ गया, तो इधर देखिए प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, तो यहाँ 0 हो गया इधर, और उधर 0 ऑलरेडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको टू राइट हैंड साइड हो गया, ओके। पूछा नहीं क्वेश्चन में, अब आता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहला 0 आपका रूट 15 है, दूसरा है माइनस रूट 15, इधर आपका कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस 15, कोफिशिएंट ऑफ टी टी स्क्वायर इज 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप दैट इज दिस वन। यहाँ देखिए हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस टाइप, तो यहाँ भी सेम थिंग, वी हैव टू डू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको इसको सॉल्व करना है, और जो मिडिल टर्म है यहाँ पे क्या है 1 है, और हमको 1 कैसे लाना है बाई सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है कॉन्स्टेंट के आगे, तो 1 कैसे आ सकता है, 1 के आने के बहुत तरीके हैं, 10 माइनस 9 8 माइनस 7, ठीक है। इस तरीके से नहीं लाएंगे आप 1,
जीरो प्लस वन ऐसा नहीं लाएंगे, ठीक है, निगेटिव करके लाना है सब्ट्रैक्शन करके। और ये टर्म्स डिसाइड कैसे होंगे, एट आएगा या सेवन, ए डिसाइड होगा आपका कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन से। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, फोर, इधर क्या है थ्री, ये हो गया ट्वेल्व। हम ट्वेल्व को किस तरीके से लिखें कि जो इन दो फैक्टर्स को लेकर ट्वेल्व लिखने में आ जाए और दोनों का सब्ट्रैक्शन वन हो, तो सिंपली फोर टू थ्री अब लिख दीजिए, सेम जो हमने यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दिया है। तो फोर में से थ्री जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा तो वन आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे स्प्लिट, माइनस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस फोर जीरो जीरो। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा x, इधर बचेगा 3x माइनस फोर, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन रहेगा, इधर बचेगा 3x माइनस फोर इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। अब पूरे में से कॉमन लेना है क्योंकि दो टर्म यहाँ बचे हैं बस, तो यहाँ 3x माइनस फोर कॉमन आ जाएगा, ये मिटा दो यार कंफ्यूज होते हैं। और इधर आपको बचेगा x प्लस वन, हमने यहाँ से इसको उठा लिया और यहाँ से इसको उठा लिया, इधर x आ जाएगा और इधर से पूरा इसको लेके आगे देखा वन बचेगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे थ्री एक्स माइनस फोर टू जीरो को, तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स निकल के आएगा आपका फोर अपॉन थ्री। दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे दैट इज एक्स प्लस वन टू जीरो, तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा माइनस वन। ओके तो ये जीरोज आ गया आपको निकल के, तो हमको प्रूव करना है क्या, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस वन। तो जीरोज क्या क्या है हमारे, जीरोज हैं फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री एंड दूसरा है माइनस वन कॉन्स्टेंट ऑफ टी, तो टी नहीं रह गया है, हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स हो चुका है, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लाना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है थ्री, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है, फोर यहाँ थ्री है फोर माइनस थ्री नीचे आ जाएगा वन अपॉन थ्री, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी वन बाई थ्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये सही है जो फॉर्मूले बने हुए हैं हमारे। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट में देखिए जीरोस क्या क्या हैं, फोर बाई थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस फोर माइनस फोर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है थ्री, ठीक है। तो इधर आ गया आपका माइनस फोर बाई थ्री इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पहला पार्ट है इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया है, हम चले गए टुवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके इसको नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेसिकली, यहाँ उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है और हमें दिया क्या गया है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या सम ये सम है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, ये दिया गया है। तो बेसिकली इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दिस वन, इसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को मिनटर्म सॉल्व कर सकते हैं, बट मुद्दा यह है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको पहले अप्रूव करेंगे और उसके बाद अगर क्वेश्चन आपका आता है एक नंबर का या ऑब्जेक्टिव है तो जस्ट आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, और वही अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है दो से तीन नंबर का तो पहले अप्रूव करेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, फिर आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एज्यूम किया है, लेट अस एज्यूम और पॉलीनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और उसके जीरोज जो है अल्फा एंड बीटा है, इतना हमने एज्यूम किया है। और आप जानते हैं कि जो समेशन होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या है अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड ए। तो देखिए यहाँ बी है तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, नेगेटिव यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, हो गया सॉल्व। इधर आपका है
सी को भी लिख दीजिए अल्फा बीटा एट ए के फॉर्म में, तो सी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू ए। ओके, अब बी और सी की वैल्यूज को हम पुट अप कर देंगे इन द पॉलिनोमियल, तो देखते हैं क्या आता है। पुट बी एंड सी वैल्यूज इन पॉलिनोमियल, ओके इन पी एक्स, तो यहाँ पुट अप करिए, यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पुट अप करना है माइनस दिस वन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, ये तो हो गई बी की वैल्यू, और एक्स यहाँ बचता है एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू निकाली हमने अल्फा बीटा इंटू ए, अल्फा बीटा इंटू ए। ओके, अब यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए जो है कॉमन है, ए यहाँ पे भी है, ए सेकेंड टर्म में भी है, ए थर्ड टर्म में भी है, तो ए को आप कॉमन ले लेंगे, इतना का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट कि ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां देखिए लिखा हुआ है बाय दिस डेरिवेशन यू कैन रीच हेयर। अब यहाँ पहुंचने के बाद कुछ बचता नहीं है, अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व कर देंगे आप। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आपका वन बाय फोर एंड माइनस वन, तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1, तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए इसे डायरेक्टली, ए बाहर आएगा एक्स स्क्वायर, सम क्या है 1/4 एक्स, प्रोडक्ट क्या है -1, यहाँ -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4, तो इधर जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4। ओके, तो हमसे कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो ए जो है एक कांस्टेंट है, तो ए की आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, अब सबसे बेस्ट रहेगा कि ए की वैल्यू 4 ले लें आप, क्योंकि ये दिखना सुंदर दिखेगा, फिर ए की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 कुछ भी ले सकते हैं, सारे ही आंसर सही होंगे, बट ए इज इक्वल टू अगर आप 4 पुट अप करेंगे तो इट विल लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ भी मतलब नहीं है उसका, इफ ए इज इक्वल टू 4 देन पी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ 4 पुट अप कर देंगे आप, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल एंड आवर पी एक्स विल बी, और पी एक्स विल बी इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। देखिए अगर आपने ये लिख दिया है तो भी आंसर कुछ ठीक है, आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया वो भी ठीक है, आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया वो भी ठीक है, ठीक, सारे ही आंसर सही है यहाँ पे, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल, और एनसीईआरटी में ऐसे ही किया गया है, सुंदर चीजों को दिखाया गया है, तो वहाँ पे इज इक्वल टू 4 रिज्यूम करके इसको लाया गया है, ठीक। और अगर आप इज इक्वल टू 3 बुक कर देंगे तो यहाँ 3/4 आ जाएगा, वो गलत नहीं है, सही वो भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए इन सेकंड केस सम ऑफ जीरो इज गिवन √2 एंड द प्रोडक्ट इज गिवन 1/3, तो जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, एक ए ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू दी गई है 1/3। ओके, तो इसको आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे क्या आएगा कि 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा -3√2x+1। ओके, आंसर आपका यहाँ तो हो चुका है लेकिन इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 3 का पुट अप कर देंगे आप, इफ ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमको एक पॉल एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 3 का पुट अप करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 3 × 3x² − 3√2x+1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x²
माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप नोट पूरा करेंगे, नोट आप यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि अगर दो से तीन बार क्वेश्चन आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, तो बेटर है कि आप बार बार प्रैक्टिस कर लें, और जरूरत नहीं कि आप इसको देख के ही नोट करें, तो आप खुद से सॉल्व कर, खुद से भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इन दिस केस सम इज गिवन जीरो एंड प्रोडक्ट इज गिवन रूट फाइव, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ये आपका ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आने वाला है, सम इज गिवन जीरो तो जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज गिवन रूट फाइव। ठीक, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, बेसिकली ये वाला टर्म खत्म हो गया, इतना आ गया, तो ए को ऐड करना है, यहाँ हम ले लेंगे ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, दिस इज आंसर। ठीक है, इतना ही है इसमें, यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ आया नहीं, तुमको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर ये भी ठीक है, यहीं तक किसी ने यही करके छोड़ दिया तो ये भी ठीक है, गलत नहीं, कोई नंबर नहीं काट सकता है इस पर आपका। ठीक है, और ये आपका इट लुक्स एस्थेटिक। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, इन दिस केस प्रोडक्ट इज गिवन वन एंड सम इज ऑल्सो गिवन वन, तो वी विल पुट द वैल्यूज हियर, यहाँ ए ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा वन दिया गया है तो ये वन एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी वन दिया गया है तो यहाँ ये हो गया, अब यहाँ पे इट विल इक्वल टू ए की वैल्यू हम वन पुट अप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, अगर इतना भी छोड़ देंगे तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, और इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए इन दिस केस सम इज गिवन माइनस वन बाई फोर एंड प्रोडक्ट इज गिवन वन बाई फोर, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट द आंसर, ए एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा एंड सम दिया गया है माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स, प्रोडक्ट दिया है वन बाई फोर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर प्लस वन बाई फोर, भैया अब फिर अगेन सॉल्व करेंगे इसको, ये बाहर रहेगा, फोर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इधर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो आपको बेसिकली सही ये भी इतना अगर आपने करके छोड़ दिया है तो भी ठीक है, यहाँ आप बेसिकली वन ए को एज्यूम कर लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया ए इज इक्वल टू फोर, लेट ए इज इक्वल टू फोर, तो अगर फोर पुट अप करेंगे तो फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा आंसर फाइनली फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देन नोट इट डाउन, उसको चलते हैं टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर एंड वन। देखिए इन दिस केस सम इज गिवन फोर एंड प्रोडक्ट इज गिवन वन, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, सम के यहाँ पे पुट अप कर देंगे फोर एक्स एंड प्रोडक्ट की यहाँ पे This is solved. अब यहाँ assume कर सकते हैं a is equal to 1. अगर आपने a is equal to 1 ले लिया तो polynomial हमारा हो जाएगा x square minus 4x plus 1. ठीक, आंसर आपका ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इन दोनों में कोई गलती नहीं, अगर आप इतना लिख के छोड़ देंगे तब भी सही है, अगर आपने इतना कर दिया तो ये भी ठीक है, इट लुक्स ब्यूटीफुल ओनली, और कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।